नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ अनिटी ग्रुप में और प्रेरणा प्रयास, जो कि सदा कोशिश करती है कि हम हर एक ज़रूरतमंद की हेल्प कर पाएँ। और इसी तरह से पिछली बार हमने केस शेयर किया था शाहिद भाई का, जो कि एक राजमिस्त्री का काम करते हैं और साइड पे काम करते वक्त इनको प्राइवेट पार्ट पे चोट लग गई थी, और जो मतलब इंटरनल चोट बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी सर्जरी वगैरह हुई थी। और अब फिलहाल पहले से इनकी स्थिति थोड़ा सुधर गई है, चल फिर पा रहे हैं और हाल का जायजा भी लेने आए हैं हम लोग। और साथ साथ इनकी एक फाइनल सर्जरी यही रहेगी, इसके बाद नहीं होगी ना जी। इसके बाद दवाइयाँ चलेंगी, तो इसके बाद इनकी दवाइयाँ ही चलनी है। एक फाइनल सर्जरी इनकी रह गई है। और लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 5,000 रुपये की हेल्प करी थी, जो कि आप ही लोगों से के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था, आप ही लोगों ने सहायता की थी। और इसी तरह से फिर 5,000 रुपये और इकट्ठे कर लिए गए हैं शाहिद भाई के लिए, तो वो हम लेके आए हैं। शाहिद भाई को आप दे ही दो साथ साथ कैमरे में, ये आप रख लो। तो कोशिश हमारी ये है कि शाहिद भाई का जो इलाज है, सर्जरी है, अमाउंट एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम है कितना लगने वाला है, उसके बाद दवाइयों का खर्चा कितना चलने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना और अमाउंट हमसे इकट्ठा हो सकता है हम शाहिद भाई के लिए लेकर आए। शाहिद भाई की घर की सिचुएशन हमने दिखाई थी, घर में कमाने वाले सिर्फ एक यही हैं, इसके अलावा इनका सिर्फ परिवार है, बच्चे हैं और वाइफ है ना, इसके अलावा कोई नहीं। छोटा सा मकान है, इसमें एक कमरा है और किचन बाहर बनी हुई है और बाहर ही बाथरूम है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, इतना ही है, इसी में गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, आस पड़ोस वाले लोग मिलके हेल्प कर रहे हैं जितना हो सकता है, खाने पीने में से लेके थोड़ा बहुत दवाई वाई में कुछ कोई ना कोई कोशिश थोड़ी बहुत कर ही रहा है। लेकिन फिलहाल जो सर्जरी होती है वो सर्जरी छोटी मोटी नहीं होती है, बड़ी ही होती है। तो हमारा मानना है कि लगभग 50,000 से लेके कुछ भी खर्चा आ सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्जरी के ऊपर है, उसके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर कि सर्जरी कैसी होती है। तो फिलहाल आपसे फिर भी एक दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा आगे आएँ, इस सहायता को थोड़ा सा हम और बढ़ाना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं कि थोड़ा सा और अमाउंट इकट्ठा हो, तो शाहिद भाई की प्रॉपर तरीके से हेल्प हो पाएगी। शाहिद भाई के लिए एक बार आप नंबर बता दो। मेरा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे और पेटीएम नंबर है 8171234549। तो नंबर आपको मिल चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ नंबर। शाहिद भाई, अब तक जो भी हेल्प हुई है और अब आपका स्वास्थ्य कैसा है आप बताना चाहते हो जनता को, आप बता दो ताकि हम सब लोग पहले से सुधार है। अब खाना पीना भी खा पा रहे हो आराम से, सब चीज़ें ठीक चल रही है पहले से आपकी जी। और दवाइयाँ मतलब असर कर रही है, दवाइयाँ अब ये आपको बंद करनी है फिलहाल? हाँ, बंद हो जाएंगी, अब ये दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन सर्जरी के बाद जो चलेंगी वो अलग होगी, वो अलग होगी। फिलहाल अभी मतलब चल फिर पा रहे हो जी, थोड़ा बहुत वजन भी उठा पा रहे हो, कुर्सी उठाते देखा मैंने आपको, कुर्सी उठा लेता हूँ बाकी और मतलब ज्यादा वजन नहीं, ज्यादा वजन नहीं, मतलब हल्का फुल्का आइटम है ना। तो फिलहाल जो भी सिचुएशन है आपके सामने है और आप ही लोगों के प्रयासों द्वारा हम सब लोगों की हेल्प कर पाते हैं और इसी तरह से आगे भी हेल्प करना चाहते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। फोन पे नंबर आपके पास में है, शाहिद भाई आपके सामने हैं और कोशिश करें जितना ज्यादा सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें, ताकि हम इनकी प्रॉपर पूरी तरह से सहायता कर सकें, ताकि इनका इलाज और सर्जरी जो भी होनी है उसके बाद जो दवाइयाँ दवाई पानी होना है वो सब कुछ सब चीज़ें अच्छी तरह से हो पाए। और इसी के बाद वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।